हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अगर कंप्यूटर या लैपटॉप पर आपका जो मोबाइल का नेट या फिर किसी वाईफाई का नेट लगाते हो तो आपका जो कंप्यूटर का जो अपडेट है वो ऑटोमेटिकली होता रहता है, तो आप उसको कैसे स्टॉप करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए सर्च का जो ऑप्शन है, यहाँ पर आपको राम नाम का सर्च करना है। राम सर्च करने के बाद यहाँ पर देखिए रन का जो ऐप है वो आ जाएगा, उस पर कुछ क्लिक करना है। वहाँ पर यहाँ पर आपको सिम चेक करना है, service.msc। आप मेरा यहाँ पर पहले से ही टाइप करा हुआ है, आप इस पर क्लिक करिए। ओके, यहाँ पर देखिए ओके का बटन है, ओके कर दीजिए। ओके का बटन प्रेस करने के कुछ ही देर में आपके पास एक ऐसा ऐप आ जाएगा, फाइल आ जाएगा जो आपका कंप्यूटर पर चल रहा है। तो सिंपली आपको यहाँ से आपको जो कंप्यूटर का जो विंडोज अपडेट है आपको उसको स्टॉप करना है। यहाँ पर देखिए जो जो ऐप रनिंग हो रहा है वो यहाँ पर सारे सारे चल दिया हुआ है, क्योंकि आप इसको नीचे कर लीजिए। यहाँ पर नीचे की तरफ देखिए विंडोज अपडेट। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो है मेरा मैंने अप कर दिया यहाँ पर। अगर आपके पास यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि रनिंग, यहाँ पर दिखाई देगा रनिंग, इस ऐसा दिखाई देगा रनिंग। ओके, रनिंग कैसा दिखाई देगा, अगर रनिंग हो रहा है तो आपका जो विंडो है विंडो से वो अपडेट हो रहा है। तो आपको सिंपली यहाँ पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए स्टॉप, मेरा स्टॉप मैंने पहले ही स्टॉप कर दिया। तो आपको यहाँ पर स्टॉप क्लिक करने के कुछ ही देर में एक यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा, ओके स्टॉप भी हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा। आप अगर ऐसे स्टॉप करना चाहते हो कि हाफ टाइम स्टॉप ही रहे, तो आपको सिंपली यहाँ पर डबल क्लिक पर क्लिक करना है। ओके, या फिर आप चाहते हो इसके पॉपअप्स में जाए, इसके पॉपअप्स के जाने के बाद यहाँ पर देखिए स्टार्टअप टाइप। ओके, यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक है, डेसिबल है, मैनुअल है। यहाँ पर डेसिबल यानी कि आप जो मैनुअल यानी कि आप जब चाहे तब ऑन कर सकते हो, और ऑटोमेटिक यानी कि नेट चलते ही ये अपडेट हो शुरू हो जाएगा। तो आप जो चाहे आप जैसे करके ऐसा मर्जी हो जाए, पर ऑटोमेटिक रखेंगे तो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो सिंपली मैंने यहाँ पर मैनुअल करके रखा है, आप भी चाहते मैनुअल या फिर डिसेबल करके रहे ओके कर देना। मैंने यहाँ पर मैनुअल करके, आप चाहे तो डिसेबल करके भी ओके करना, आपका जो मर्जी। ओके, डिसेबल यानी कि आप नहीं होगा, ऑटोमेटिकली डाउनलोड नहीं होगा, विंडोज अपडेट नहीं होगा। ऐसे करके आप विंडोज को अपडेट रोक सकते हो। और एक बात यहाँ पर जो है वो ये है कि आप यहाँ पर सिंपली यहाँ से भी देख सकते हो, पर यहाँ पर स्टॉप का कोई बटन नहीं है। यहाँ पर देखिए विंडोज एंड सिक्योरिटी। ओके, यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर देखिए मैंने उसको स्टॉप कर दिया पहले ही, इसलिए यहाँ पर देखे गए अपडेटेड फेल। ओके, अगर मैं चाहती हूँ तो फिर से ओपन करना चाहता हूँ, यहाँ पर देखिए डाउनलोड है इंस्टॉल नाउ, अगर मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो फिर से ये डाउनलोड हो जाएगा। ओके, तो ऐसे करके आप विंडोज अपडेट को स्टॉप कर सकते हो। उम्मीद करूँ तो वीडियो का अच्छा लगा, अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद।